दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ करके अगर किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, किसी का चुपके से वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली कभी क्या होता है कि हम कहीं पे जाते हैं और अचानक से हमारे सामने कुछ ऐसा हो जाता है, हमें उसका वीडियो रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कैमरे से उसको रिकॉर्ड करेंगे तो सामने वाले पर्सन को आसानी से पता चल जाएगा कि आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वो आपके फोन को देख लेता है आपकी स्क्रीन को, तो आपकी स्क्रीन पर भी आपका कैमरा उसको ऑन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आज के मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप किसी की भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप अपने फोन की स्क्रीन का लॉक भी लगा देंगे तब भी आपके कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, और अगर उसे आप पे शक हो भी जाता, वो आपकी स्क्रीन को ऑन करके देख भी लेता, तो उसको स्क्रीन पे या आपके फोन में कहीं भी ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि वो समझ पाए कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से बिना सामने वाले को जज किए हुए अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ करके किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरे जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ करके किसी की भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं जिससे कि सामने वाले को बिल्कुल भी जज ना हो कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को आप आसानी से अपने फोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक फ्री एप्लीकेशन है, इसकी अर्निंग एडवर्टाइज के थ्रू होती है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ एड वगैरह देखने को मिलेंगे, तो इन्हें आपको इग्नोर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप चाहते उसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। आप ऊपर की साइड जो क्रॉस बटन है इस पर क्लिक करके इसको क्रॉस कर दीजिए। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी कुछ सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऊपर की साइड आपको जो थ्री डॉट मिलता है, थ्री डॉट पे जाएंगे। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है तीसरे नंबर पे, आपको सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने का सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग कंप्लीटेड को आपको ऑन रहने देना है। अब इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है वाइब्रेट व्हेन स्टार्ट रिकॉर्ड और वाइब्रेट व्हेन स्टॉप रिकॉर्ड। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जब भी आप अपने फोन से किसी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके फोन में वाइब्रेट होगा, उसको स्टॉप करेंगे तो भी वाइब्रेट होगा। तो आप इसको ऑफ ही रहने दीजिए, वरना सामने वाले को साउंड से पता चल जाए कि आपने अपने फोन में किसी एप्लीकेशन को ओपन किया है, तो इसको आपको डिसेबल रहने देना है। अब इसके बाद में यहाँ पे शटर साउंड है तो इसको भी आपको ऑफ रहने देना, वरना शटर का साउंड सामने वाले को सुनाई देगा। इसके अलावा पॉज एंड रिज्यूम के फीचर को आप एनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा डोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए। अब इसके बाद में यहाँ से आपको अपना कैमरा सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप अपने फोन की स्क्रीन को बंद करके जो हिडन कैमरा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो अपने मेन कैमरे से करना चाहते हैं या फ्रंट कैमरे से करना चाहते हैं। तो अगर आप बैक से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपसे तो यहाँ से आप बैक को सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट से करना चाहते हैं तो फ्रंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अगर फ्लैश लाइट का यूज करना चाहते हैं तो आप करना नहीं चाहें क्योंकि आपको सामने वाले को जज नहीं होने देना है। प्रीव्यू मोड भी आपको यहाँ पे डिसेबल रहने देना है। इसके बाद में नीचे की साइड आपको यहाँ पे फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, तो फाइल नेम का आप फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सेव वीडियो प्रीफिक्स इसकी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं पूरी। इसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो की कुछ सेटिंग मिलती है, इसकी आप वर्टिकल में चाहते हैं या फिर आप हॉरिजॉन्टल में चाहते हैं, यानी कि खड़े मोबाइल से चाहते हैं आड़े मोबाइल से चाहते हैं तो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो का रेजुलेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं, बिट रेट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से वीडियो एनकोडर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन का डिफॉल्ट रखना है, अपने फोन का डिफॉल्ट रखना है। इसके बाद यहाँ से नो साउंड को आप अगर एनेबल कर देंगे तो फिर सामने वाला का सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होगा, किसी भी तरह का साउंड यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसलिए इसको आपको डिसेबल रहने देना है। यहाँ से आप लिमिट सेट कर सकते हैं, यानी कि इसकी हेल्प से आप मैक्सिमम 3 घंटे तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसके साइज वगैरह को आप इंक्रीज कर सकते हैं, 300 MB साइज तक का वीडियो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप इन्हें चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर और मिलता है, नीचे की साइड आप देख सकते हैं हाइड वीडियो इन गैलरी। अगर आप इसको एनेबल कर देंगे तो सामने वाला पर्सन अगर वीडियो बनने के बाद आपके फोन को भी चेक करता है तो आपकी गैलरी में भी उसे वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। इस ऑप्शन के एनेबल होने से आपकी गैलरी से वो वीडियो हाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने SD कार्ड यानी कि इंटरनल स्टोरेज या मेमोरी कार्ड से यानी पूरे सिस्टम से इसको ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में अपने वीडियो में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं। बस दोस्तों ये थोड़ा सा सेटअप इसको आपको कर लेना है, इसके बाद आपको बैक ले लेना है। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन
इसमें एक सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपका काम आ सकती है। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं आपको एक घड़ी जैसा आइकन मिल रहा है, इस पे जाएंगे तो यहाँ से आप एक शेड्यूल वाला आइटम भी सेट कर सकते हैं। इसको अगर शेड्यूल करने से क्या होगा कि जो टाइम और डेट आप सेट करेंगे उस पर ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन वर्क करना स्टार्ट कर देगी और आपके कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आपको अपने फोन की स्क्रीन को भी ऑन करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो उसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर आप डेट सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, रिपीट एवरी डे अगर एवरी डे के लिए रिपीट करना चाहते हैं सेम टाइम पे तो उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, कितने सेकंड या कितने मिनट का आपको ऑटोमेटिक वीडियो पर रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ से कैमरा सेट कर सकते हैं कि बैक कैमरे से बनाना है या फ्रंट कैमरे से बनाना है, ये पूरी सेटिंग करके आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। ये तो क्या दोस्तों पूरा सेटअप जो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेती कि एप्लीकेशन वर्क किस तरह से करती है। तो वर्क के लिए यहाँ पे जो आपको ये आइकन देखने को मिल रहा है लाल कलर का, इस पर जैसे आप टैप करेंगे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन हो जाएगी। जैसे कि चलिए मैं आपको टैप करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर फर्स्ट टाइम टैप करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो परमिशन आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। चलिए इसकी सभी परमिशन मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आप अपने फोन की डिस्प्ले को भी यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो भी आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती रहेगी, आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। अब सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब चलिए स्क्रीन को मैं ऑन करता हूँ और चलिए इस रिकॉर्डिंग को हम यहाँ से ऑफ कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर दी है। अब वीडियो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ऊपर आपको थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ पे आपको गैलरी पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया वो वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी अंधेरा है तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हमारा वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से किसी की भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी जज नहीं होगा कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके फोन की स्क्रीन यहाँ पे बंद रहेगी। और अगर उसे शक हो भी जाता है, आपकी स्क्रीन को ओपन करके देख भी लेता है, तो यहाँ पे उसको आपका कैमरा वगैरह कुछ भी ओपन देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप इसे डाउनलोड करके और यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।